खुशी आज बेटा? कितनी खुशी है? बर्थडे आज जन्मदिन है? हाँ। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। कौन से में पढ़ते हो? फोर्थ में। कौन से स्कूल में? वो गवर्नमेंट में। चलो आज तो लोटो की डेयरी लगी होगी और गिफ्टों की भी। अच्छे से जाओ। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, करो एंजॉय। कृपाल खरगिया जी हमारे साथ हैं और जो कि देवा का जन्मदिन है उसी पर बधाई देने के लिए आए हैं, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति न्यूज। तो आज जैसे भिवानी में जन्मदिन पे आए हो, नरेंद्र खरगिया लड़का का देवा का जन्मदिन है और बधाई देने के लिए, मतलब और भी जैसे आपने देखा होगा कि विधायक ने, पूर्व विधायक ने शिवशंकर भारद्वाज ने केक कटवाया और आप भी मतलब जैसे उसमें शामिल थे, आपने भी केक कटवाया, तो क्या कहेंगे इस पर? आज हमारे पोते का देवा जी का जन्मदिन है। देवा जी आप जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। हमारी खुशियाँ, हमारा आशीर्वाद इनके साथ हैं और बहुत ही खुशी की बात है भाई, एक बच्चे का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया और साथी गणाए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्रांति न्यूज़ का जो इस जन्मदिन पे आप भी सेलिब्रेट करने के लिए आए। वैसे तो एक लाइन गुनगुना के सुनानी चाहिए, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे है कैसा नाता, कैसे हैं दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देवा ताली हम बता देते, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशी आए। थैंक यू। चलो बहुत 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 धन्यवाद। तो ये मतलब जैसे इन्होंने भी बधाई दी एक अपने अंदाज में और जैसे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वीरपाल सिंह जी थे जो कि राजेंद्र सिंह खरकिया के भाई हैं और दिलेर सिंह खरकिया के चाचा जी। सारे भाइयों ने, भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। भाई इस टाइम आप देख रहे हो मेरे पीछे जो कि एक जैसे आप देख रहे हो जैसे शादी समारोह में होता है, वैसे ही मतलब जो ये आज जन्मदिन है देवा का, देवा जो कि एक बच्चा है उसका जन्मदिन है और मतलब बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है। और मैं आपको दिखाऊंगा, नरेंद्र खरकिया है उनका लड़का है देवा। कैमरा मैन चेकूंगा मैं एक बार, चारों तरफ घुमा के दिखा दे कैमरा, उस साइड भी दिखा दे, ये जो बाहर खड़े हैं और पूरा मतलब जैसे आप देख सकते हो और पूरी मतलब यहाँ जैसे भीड़ है ज़बरदस्त, और देवा का जन्मदिन है और देवा के जन्मदिन पर भाई यहाँ से जैसे दूर दूर से मतलब यहाँ पार्टी को सेलिब्रेट करने आए हैं और बर्थडे विश करने आए हैं। और डॉक्टर साहब भी हैं लेकिन खाना खा रहे हैं, उनसे बात करेंगे, डॉक्टर साहब से ही उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, थोड़ा साइड हो लें। नमस्कार सर। सर आज जैसे देवा का जन्मदिन है, जन्मदिन पे आपने मतलब सेलिब्रेट किया और केक कटिंग किया, तो क्या? केक कटिंग मैंने बच्चे से ही कराया। ये बच्चे का जन्मदिन है आज, बच्चा 6 साल का हो गया है और खुशी का मौका है। मैं नरेंद्र को बधाई दूंगा कि उसने इन सब इतने आदमियों को यहाँ पे बुला के सबको एक आपसी मिलने का मौका दिया, बच्चे को आशीर्वाद मिलने का मौका मिले। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि बच्चा जो है इसका भविष्य उज्जवल हो और ये माँ बाप का नाम रोशन करे। और मैं तो जब भी किसी बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए जाता हूँ तो जो गुण थोड़े बहुत मैंने प्राप्त किए हैं अपनी शिक्षा के क्षेत्र में और काम के क्षेत्र में, अपने चिकित्सा के क्षेत्र में, मैं चाहता हूँ कि बच्चों में वो गुण भी आए, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना। सर थोड़ी सी राजनीति की बात भी कर लेते हैं, जैसे आजकल भिवानी में एक जैसे मुद्दा चला हुआ है जैसे एक मतलब जो गबन किया है पीछे, तो उस पर क्या कहेंगे? ये वास्तव में अगर सच पूछा जाए तो भिवानी का दुर्भाग्य है। भिवानी एक ऐतिहासिक नगरी है, ये एक पवित्र स्थान है, ये वो भूमि है जिसने बड़े बड़े नेता यहाँ पे दिए हैं, और इन सब के बावजूद अगर यहाँ पे ये काम होता है तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सच्चाई ये। तो जैसे डॉक्टर साहब एक चीज़ और है, मतलब जो भिवानी का छोटी काशी भी बोली जाती है, तो इसका जैसे विकास कहीं खोसा गया, मतलब ये क्या कहें? इसमें कोई शक नहीं कि जैसा विकास भिवानी का होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया, और यहाँ पे जैसे फिर भी हमारा ये प्रयास रहा कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बने,
यहाँ पे यूनिवर्सिटी बने, ये सब सबसे पहली मांग मैंने उठाई वहाँ पे विधानसभा में। हमारे कार्यकाल में इनकी शिलान्यास भी हुआ, ये काम शुरू हुआ। कोई बात नहीं, एक बार शुरू होता है तो कुछ साल लगते हैं, फिर भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी अच्छी बनेगी, ये विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहेगी। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेगा, वो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ के जनता के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ पे दो पुल पहले मेरे टाइम में बने, एक चौधरी बंसीलाल जी के टाइम में बना, तो और भी अभी दो पुल और बन रहे हैं, वो धीमी गति से ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन अभी हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं इन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। इन्होंने सड़कों का भी सुधार किया है, बाईपास भी इन्होंने चालू करवा दिया, वो निनान से लेकर हलवास तक जो बाईपास जो बहारू रोड तक भी जाता है। तो इस प्रकार से जो काम थोड़े स्लो थे, कुछ कामों में गति आई है, कुछ काम अभी भी ये ढीले पड़े हुए हैं। तो मैं तो प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, मैं जब भी हमारी मुलाकात होती है मैं यही कहता हूँ कि भिवानी का विकास जिस गति से होना चाहिए था नहीं हो पाया, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें और यहाँ के विकास को आप थोड़ा सा तेज करें। तो सर जैसे एक चीज़ और है, आपके शासन में जैसे आप दो बार MLA रहे हैं, उससे पहले भी मतलब रोडों की स्थिति बेकार थी, लेकिन आप आए तो उसके बाद मतलब रोडों की स्थिति ठीक की आपने, लेकिन आपके बाद अब फिर से वैसी होगी जैसे टूटे फूटे रोड। सबसे बड़ी समस्या तो देखो, एक तो ये थी कि यहाँ पे पानी की निकासी ठीक से नहीं थी। ये हमने भिवानी गढ़ ड्रेन बनवाई, 34 करोड़ रुपए लग के 29 करोड़ से ड्रेन और 5 करोड़ से इसकी लाइनिंग हुई भिवानी के एरिया में। अब जो भिवानी का जो बरसाती पानी है वो घंटों में उतर जाता है। एक समय ऐसा था जब 1995 में बाढ़ आई तो महीनों पानी खड़ा रहा, 2000 में बाढ़ आई तो ये पानी बहुत बहुत दिन तक खड़ा रहा, अब घंटों में ये उतर जाता है। और पहले जो हमारे सीवरेज का प्लांट था ये हॉटलाइन पे नहीं था, मैंने इसको हॉटलाइन पे कराया ताकि इसको, पहले ये था कि डीजल नहीं है जी, डीजल ख़त्म हो गया जी, अरे हमने कहा जब DC का घर हॉटलाइन पे हो सकता है तो सीवेज डिस्पोजल और वाटरवर्क्स ये ज़रूर होने चाहिए। तो उस वक्त ये हमने उसको हॉटलाइन पे कराया। अब डीजल की या ये समस्या नहीं है कि है कि नहीं, अब हॉटलाइन पे हैं और वो वहाँ पे पंप चलता रहता है और वो जो पानी की निकासी है वो हो रही है। तो जैसे भिवानी की जनता भी सरफ देखती है कि 2024 में आपकी तरफ भाई डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज एक बार फिर से सत्ता में आए और भिवानी का विकास। देखो हमारे लिए तो भिवानी जो है, हमारा संसार भिवानी है, हमने तो यहीं रहना, यहीं काम करना। मैं तो MLA बनने से पहले भी एक पेशेवर डॉक्टर था, चिकित्सक था, सर्जन था। आई इंजॉय माई वर्क, मेरे को तो अपना काम करने में बहुत मजा आता है। कोई बात नहीं, फिर भी मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं भिवानी के विकास की बात करता हूँ। मैं भिवानी के विकास के लिए, कहीं पानी की कमी होती है, मैं आज भी जैसे कुछ एरियाज हैं जैसे, तो मैं मंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से मैं ये कुछ थोड़े बहुत काम में कराने की चेष्टा करता हूँ और करता भी रहूँगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया भिवानी के विकास के बारे में और आगे 2024 में मतलब देखते हैं क्या रहता है। जय जय हरियाणा, जय भारत।